بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرين، سلسلة فتاوى इस्लामिया के आज के इस दर्स में जो सवाल और उसका जवाब पेश किया जाएगा, उस सवाल का मौजू है शब्दहबाजों से इलाज कराना। और इस मौजू से मुताल्लिक ये सवाल समाहतु शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह इब्न बास रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किया गया। सवाल कुछ इस तरह से है, कुछ लोग बजाम खुद शब्दा बाजी के तिब्बी तरीके इलाज से मुस्तफीद होते हैं। शब्दा बाजियों के तिब्बी तरीके से इलाज करते हैं। जब मैं उनमें से किसी के पास जाता हूं तो मुझे कहता है कि अपना और अपनी वालदा का नाम लिखो और फिर कल हमारे पास आओ। और फिर जब कोई उनके पास जाता है तो वो कहता है कि तुझे फला फला मुसीबत आई है और उसका इलाज ये है। उनमें से कोई ये भी कहता है कि मैं कलामुल्लाह से इलाज करता हूं, ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है और उनके पास जाने का क्या हुक्म है। ये सवाल इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किया गया। समाहतु शेख ने जवाबन अर्ज फरमाया, जो शख्स इलाज में ऐसा तरीका इस्तेमाल करता है तो वह इस बात की दलील है कि वह जिनों से खिदमत लेता है और इल्म गैब का दावा करता है। लिहाजा ऐसे शख्स के पास जाना, उससे सवाल करना और उससे इलाज कराना जायज नहीं, क्योंकि इस तरह के लोगों के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता काहिनन, बल्कि हदीस कुछ इस तरह से है, मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक्बल लहु सलातुन अरबईन लैला औ लम तुक्बल लहु सलातु अरबईन लैला। जिस शख्स ने किसी नजूमी के पास जाकर कुछ पूछा तो उसकी 40 रोज तक नमाज कबूल ना होगी। और बहुत सी हदीस से काहिनों, नजूमियों और जादूगरों के पास जाने और उनसे सवाल करने और उनकी तस्दीक करने की ममानियत आई है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अता काहिनन फसद्दकहु बिमा यकुल फकद कफर बिमा उनसिला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनन अबू दाऊद की रवायत है। यानी जो शख्स किसी काहिन नजूमी के पास कोई सवाल पूछने के लिए जाए और फिर उसके जवाब की तस्दीक भी करे तो उसने उस शरीयत का इनकार किया जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नासिल किया गया है। जो शख्स भी कंकरियां मारने या घोंघे या सीपियां इस्तेमाल करने या जमीन पर लकीरें खींचने या मरीज से उसके उसके मां या उसके रिश्तेदारों के नाम पूछकर इल्मे गैब का दावा करता है तो ये सब बातें दलील हैं कि वो नजूमियों और काहिनों में से है जिनसे सवाल करना
और जिनकी तस्दीक करने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। यहां तक था शेख नेबाद रहमतुल्लाह अलैह का जवाब। नाज़रीन किराम, इस सवाल और उसके जवाब से ये बात हमारे सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से वादे होकर आ गई है कि नजूमियों, काहिनों और इस तरह के आमाल करने वाले लोगों से हमें मुकम्मल तौर पे दूर रहना चाहिए। ये ऐसे आमाल हैं जो लोगों के अकीदे को बातिल कर देते हैं, लोगों को सीधे रास्ते से भटका कर शिर्क और बुतपरस्ती के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देते हैं, और ऐसे आमाल को अंजाम देने वाले काहिनों और नुजमियों के पास जाने वाले, उनकी बातों की तस्दीक करने वाले लोगों के बहुत सारे आमाल सालिहा रायगा और बर्बाद हो जाते हैं। जैसा कि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह के लोगों को जो काहिनों और नुजूमियों के पास जाते हैं, उनकी बातों की तस्दीक भी करते हैं, ऐसे लोगों की नमाज 40 दिन तक काबिले कबूल नहीं होती है। लिहाजा हम में से हर शख्स को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों से मुकम्मल तौर पर अपने आप को बचाए और महफूज रखे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको शरई कवानीन वज़वाबित के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।